एसीपी साहब, आपने ये जो प्लान बनाया है बिल्कुल सही है, और आपने जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा है वो सब हम लेंगे। वेरी गुड, और लेने भी चाहिए जगमोहन जी, क्योंकि आजकल क्रिमिनल जितने होशियार हो चुके हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं चोरी करने के। और वैसे भी आपके इस एग्जीबिशन में दुनिया का सबसे खूबसूरत और कीमती ताज जो इजिप्ट का है वो आ रहा है, तो फिर सिक्योरिटी तो यू नो क्या बताएं एसीपी साहब, इस ताज ने तो मेरी रातों की नींद हराम कर दी। पर क्या करें, म्यूजियम है तो दूसरे देशों से चीजें आएंगी, और वैसे भी हमारी जनता को ये चीजें देखने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, और दिखाना भी चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बाहर देशों में किस तरह का आर्ट है, किस तरह की संस्कृति है ना। और वैसे ये ताज आपकी इस एग्जीबिशन में कितने दिन रहेगा? सिर्फ एक दिन। सिर्फ एक दिन, मतलब तो बहुत सारे विजिटर्स आएंगे देखने के लिए। करीब 3,500 लोग तो आएंगे। तो फिर जगमोहन जी, जैसे हमने बताया वैसे ही सिक्योरिटी रखिए। यस सर। जहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए वहीं पे रखने चाहिए, कोई भी छोटी से छोटी जगह या कोना छूटना नहीं चाहिए। राइट सर। एसीपी प्रद्युमन, यहाँ क्या, कहाँ पर? ठीक है, ओके। क्या हुआ एसीपी साहब? क्या बताएं जगमोहन जी, क्या हो रहा है? इंपीरियल बिल्डिंग में बॉम्ब रखा गया है। ओह माय गॉड। दया, अभिजीत, लेट्स गो। ऑल द बेस्ट सर। हमारे आने से पहले बिल्डिंग खाली करा दी गई है। ये बहुत होशियारी का काम किया। बड़ी एक काम करो, अंदर जाके देखो कोई आदमी फंसा है क्या, कोई बीमारी या बुजुर्ग आदमी। चलो बॉम्ब स्क्वाड वालों को फोन किया। अच्छा फोन कर दिया, वो किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। एक व्यक्ति क्या बोला था फोन करने वाले ने? उसने यही कहा था कि इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग में बॉम्ब रखा है, मगर कहां पे रखा है एग्जैक्टली ये मालूम नहीं। जो वॉचमैन भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, जान बचाने के लिए वो भी भाग गया है। सर, पूरी बिल्डिंग चेक कर लीजिए, एक पंछी तक नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, बिल्डिंग को अच्छी तरीके से चेक करते हैं, देखते हैं बॉम्ब कहाँ पर रखा हुआ है। रेडी, ऊपर जाके देखो, मैं यहां देखता हूं। ये आवाज कहां से आ रही है? बॉम्ब मिल गया। क्या बॉम्ब मिल गया? कहां पे? मैं यहां पे सेकंड फ्लोर पे हूं, इलेक्ट्रिक रूम में, यहीं पे आ जाओ। सेकंड फ्लोर, लेट्स गो। अभिजीत, बॉम्ब इसी में, इसी सूटकेस में। पता नहीं कितना टाइम है पकड़ने में, ये बॉम्ब स्क्वाड वाले भी नहीं आए अभी तक। काजल, बाहर जाके देखो, इस बिल्डिंग के आसपास एक भी आदमी नजर नहीं आना चाहिए, सबको ऐसे बाहर निकालो, पता नहीं ये बॉम्ब कितना पावरफुल है। ये सर, एक काम करते हैं, इस सूटकेस को बाहर लेते हैं। तो रुक जाइए सर, रुक जाइए, बॉम्ब स्क्वाड को आने दो। रेडी रेडी, कहीं देर ना हो जाए। Thank you.
अच्छा लगा आप लोग आ गए। जरा देखिए इसमें बॉम्ब है। ओह माय गॉड, बम फटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी। 10 सेकंड। कुछ करिए, कुछ जल्दी से करिए। ये कोई बम बम नहीं है सर, ये कोई नकली सर्किट है। मतलब किसी ने डराने के लिए नाटक किया? ये क्या है? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी आनी बाकी है, वो भी बड़े पर्दे पे। इससे क्या मतलब? जी, किसी ने हमारे साथ कोई मजाक वजाक तो नहीं किया? कुछ कह नहीं सकते थे यार। हाँ काजल। सर, यहाँ पर एक लावारिस गाड़ी मिली है। क्या? कहाँ पे? सर, बेसमेंट में। ठीक है, तुम वहीं रहो, हम लोग अभी आते हैं। जी सर। काजल का फोन था, एक लावारिस कार मिली है, बेसमेंट में खड़ी है। चल देखते हैं। हाँ काजल, कहाँ पे? जब हम लोग यहाँ पे आए तो तुम कहाँ थे? मैं भी डर के भाग गया था साहब। डर के भाग गए? वापस क्यों आए थे? मैं तो ये देखने आया कि यहाँ कोई रह तो नहीं गया है। आप लोग एक काम करिए, देखिए इस गाड़ी में बम तो नहीं है। देखता हूँ सर। किसी गाड़ी है ये? सर ये गाड़ी यहाँ की किसी भी मेंबर की नहीं है, शायद बाहर वाले की है। बाहर की है? तुमने देखा नहीं ये गाड़ी यहाँ पे किसने पार्क की थी? नहीं साहब। कमाल है। सर गाड़ी में तो कोई बम नहीं है, कुछ नहीं मिला सर। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके सर। सर ये गाड़ी जरूर उस आदमी की है सर, जिसने वो नकली बम रखा था बैग में। काम करो, गाड़ी को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं क्या, कुछ भी चेक करो। यस सर। गाड़ी में आरसी बुक मिली है सर। ये गाड़ी किसी शर्वानी के नाम पर है सर। शर्वानी? सर गाड़ी के बाहर और अंदर कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं है सर। क्या कमाल, सारे निशान साफ कर दिए क्या? हाँ सर। रेडी, एक काम करो, ये जो रियर व्यू मिरर है ना, इसे पीछे देखते हैं ना ये। हाँ हाँ। इसके पीछे देखो, शायद मिलेंगे।
है सर, उंगलियों के निशान है। वेरी गुड वेरी गुड। उठा लो सर, उठा लो। यस सर। अभिजीत, इस शर्वानी से मिलना चाहिए, पता तो चले उसने ये गाड़ी यहाँ पे छोड़ी क्यों है। नाम का नौकर है, सिर्फ नाम का। देखा जाए तो मैं इसकी नौकर हूँ और ये मेरा बॉस। बस एक बार आ गया तो काम से निकाल दूंगी। हेलो, हाँ राजू है वहां पर? क्या वहां पर भी नहीं है? ओके ओके, एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? ना नॉक किया ना डोरबेल बजाई। वो क्या है कि घर के मालिक से मिलने के चक्कर में हम ये फॉर्मेलिटीज थोड़ी भूल गए। वैसे घर की मालिक आप है या कोई? जी हाँ, मैं ही हूँ शर्वानी। लेकिन आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हम लोग सीआईडी से हैं और एक इम्पोर्टेंट केस के बारे में पूछताछ करनी है। पूछताछ मुझसे? जी हाँ, आपसे। ये बताइए कि MH04-2058 ये आप ही की गाड़ी का नंबर है? जी हाँ, ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है, पर आपको कैसे पता? हमें आपकी कार इंपीरियल बिल्डिंग की बेसमेंट में मिली, वहाँ पे लावारिस खड़ी हुई थी। लावारिस इंपीरियल बिल्डिंग में? जी हाँ, लावारिस इंपीरियल बिल्डिंग में। आपकी गाड़ी वहाँ पर कैसे पहुंची? मुझे कैसे मालूम? तो फिर आपको ये भी नहीं पता होगा कि कुछ लोगों ने आपकी गाड़ी का इस्तेमाल करके कहीं पे बॉम्ब लगा दिया। What? बॉम? जी हाँ, बॉम्ब। बॉम्ब किसने किसने लगाया होगा ये बॉम्ब? क्या आपने? मैं क्यों करूंगी ऐसा काम ऑफिसर? तो फिर आपकी गाड़ी वहां पर कैसे? हो सकता है कि मेरा नौकर उसे वहां ले गया हो। राजू, राजू कि राजू है कहाँ? बुलाइए जरा उसे। देखिए, मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली मैं कल ही वापस आई हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहती, बाहर रहती हूँ। जब मैं यहाँ आई तो वो यहाँ पर नहीं था और मेरी गाड़ी भी नहीं थी। तो राजू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में? देखिए सर, मुझे नहीं लगता कि उसने मेरी गाड़ी चुराई है। अच्छा, ये राजू रहता कहाँ है? जी, तारकपुर विलेज। तारकपुर विलेज, तारकपुर। कौन है, कौन है आप लोग? राजू है ना तू? हाँ राजू, मेरा ही नाम है। पर आप कौन है, क्या काम है आपको? शर्वानी मैडम के घर पर तुम ही काम करते थे ना? करता था नहीं, करता हूँ। शर्वानी मैडम क्या होना चाहिए था तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैडम यहाँ है ही नहीं, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? मैडम बाहर गई है। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि मैडम बाहर गई है? हाँ, और आप लोग ये सीआईडी की तरफ पूछताछ क्या कर रहे हैं? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? हवा निकल गई? सब मामला क्या है सब? नकली बॉम्ब बना बना कर लोगों को डराते हो और पूछते हो मामला क्या है? नकली बॉम्ब? हाँ, नकली बॉम्ब। शर्वानी मैडम की कार कहाँ है? कार? हाँ, कार, गाड़ी, पम पम, कार, गाड़ी, कार, कार साहब। तुम तो वापस आ जाए। कहाँ है गाड़ी? हैं? कहाँ है गाड़ी? साहब, साहब गाड़ी तो मैंने भेज दी साहब। गाड़ी भेज दी? किसे भेज दी गाड़ी? साहब, तो आदमी आए थे, मैंने मुझे फोन किया था साहब। उन्हें मालूम था गाड़ी बिकने वाली है? हाँ साहब, साहब एक आदमी तो कह रहा था कि वो मैडम की पहचान वाला है साहब। कौन थे वो लोग? तुम जानते हो उन लोगों को? कभी देखा था उन्हें मैडम के साथ? नहीं साहब, मैंने कभी नहीं देखा साहब। मैंने सुबह फोन किया और शाम को पैसा लेकर आए और कार लेकर चले गए साहब। सुबह सुबह फोन आया और शाम को गाड़ी बिक भी गई? हाँ साहब। अरे बड़ी फटाफट बिकी गाड़ी है? कौन थे वो लोग, दिखते कैसे थे? सब दिखते कैसे थे वो लोग? सब सब दिखने में तो वो दोनों हट्टे कट्टे थे सब। जब उन्होंने तुमसे कहा कि वो तुम्हारी मैडम को जानते हैं तो तुम्हें डर नहीं लगा कि मैडम को जाके बता देंगे कि गाड़ी तुमने चोरी से बेची? डर तो बहुत लगा था सब, पर मैं सोचा कि पैसे लेके मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा सब। लालच बढ़ गई और लालच के साथ साथ हिम्मत भी बढ़ गई।
पैसा खाया मगर भागा नहीं है? हमारे साथ ब्यूरो चलो, उन दोनों आदमियों की स्केच बनवाओ। स्केच? स्केच समझते हो ना, तस्वीर। सब जानता हूं। और एक बात, वो फोन मैडम के घर पर ही आया था ना? जी साहब, मैडम के घर पे ही फोन किया था साहब। विवेक, सचिन, उस फोन नंबर का पता करो जिससे उन दो आदमियों ने शर्बानी के घर पर फोन किया था। डॉक्टर सालुंके, क्या है? उंगलियों के निशान तो है पर काफी अजीब है। अजीब मतलब? अजीब मतलब इस तरह की उंगलियों के निशान बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखे। देखोगी भी कैसे, भाई इतना काम नहीं किया है ना तुमने। एक्सक्यूज मी डॉक्टर सालुंके, कहने का क्या मतलब है? रिलैक्स रिलैक्स, एक्सपीरियंस। भाई एक्सपीरियंस नहीं है ना तुम्हें? You're so right. एक काम कीजिए, आपको इतना एक्सपीरियंस है तो आप ही खुद देखकर मुझे बता दीजिए कि इस तरह की उंगलियों के निशान देखने को मिलते हैं या नहीं। चल चल, क्या देख रहे हैं? लाओ बताते हैं। क्या हुआ डॉक्टर सालुंके, आपका मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? What's the matter? फिर सालुंके, तेरा मुंह खुला क्यों है? सर, अगर आप थोड़ी देर और नहीं आते तो पता नहीं इनका मुंह कब तक खुला रहता। क्या देख लिया? सर, इनको लगता है कि दुनिया में इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। वो बॉम्ब लगाने वाला जिसके हमें फिंगरप्रिंट्स मिले, वो मिले तो है पर नहीं भी मिले। क्या सरुंगे, तुमने तो कहा था कि फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, तो नहीं मतलब फिंगरप्रिंट्स में गड़बड़ है? अरे गड़बड़ नहीं है, बहुत गड़बड़ है बॉस। मतलब ये आप कुछ अजूबा है, इस हाथ में रेखाएं है ही नहीं। डॉक्टर साहब के हाथ की रेखाएं नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए तो इनका मुंह खुला का खुला रह गया, राइट डॉक्टर साहब के? बॉस, ये जिसका भी हाथ है उसका हाथ जला हुआ है। फिर साहब के अगर हाथ जला हुआ है तो उंगलियों के निशान कैसे मिलेंगे? नहीं नहीं, अंगूठे और बीच की उंगली को छोड़ करके बाकी हाथ जला हुआ है। तो अंगूठा और बीच की उंगली बाकी है ना? हाँ। तो यार फिर उससे काम चलाओ। तो यार वो ये निशान मैंने अपने रिकॉर्ड से मिलाकर देखे हैं, पर हमारे रिकॉर्ड में तो ये निशान है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है। हाँ वे, तो शर्वानी के घर पर जो फोन आया था वो कहाँ से आया था पता चला? हाँ सर, राजू को वो फोन अमोरे कॉलोनी से किया गया था। अमोरे कॉलोनी? यही का पता बताया सेलफोन कंपनी वालों ने। देखते हैं। अरे, घर तो बंद है, देखिए अंदर चलते। इसके लिए दरवाजा तोड़ना पड़ेगा सर, और ये काम आपके अलावा और कौन कर सकता है? अच्छा, और जब मैं नहीं होता हूँ तब ये शुभ काम कौन करता? मैंने एक दो दफा कोशिश की थी तो टूटा। हाँ क्यों नहीं, दरवाजा, मेरा कंधा। ओह, हटो। तलाशी लो, देखो किस तरह के लोग रहते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स मिले किसी मार्केट के, और सर ये किसी गाड़ी की चाबी। मार्केट इस एरिया के आसपास ही होना चाहिए। सर, खून। लाश कितनी बेरहमी से मारा इसे। बड़ी
आसपास जाके पड़ोसियों को बुलाना, उनसे पूछते हैं कि इस आदमी को जानते हैं क्या। जा। यस सर। काजल। सर। देखो घर में कोई हथियार मिल जाए कि जिससे इसका खून किया गया था। यस सर। आइए आइए, संभाल के चलो, आइए इस तरफ से संभाल के। लाश को देखो ध्यान से, इसे पहचानते हैं आप लोग? साहब ये तो महेश है। महेश, आप जानते हैं इसे? हाँ साहब, इस घर का मालिक, इसको किसने मारा साहब? ये तो आप लोग ही बता सकते हैं ना कि इसको किसने मारा है, किसके साथ दुश्मनी थी इसकी? साहब, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, ये तो मुशरिफ आदमी था साहब। अच्छा, इसके परिवार वालों में से कोई है यहाँ पे? साहब ये अकेला था, ये घर भी इसने किराए पे दे रखा था। किराए पे? किसको? दो लड़के थे साहब। दो लड़के कहाँ हैं वो अभी? पता नहीं कहाँ गए साहब। महेश भी उन लोगों से बहुत परेशान रहता था। परेशान? ये महेश उन लोगों से परेशान क्यों रहता था? वो कई कई दिन घर पे आते भी नहीं थे, अगर आते थे तो रात को लेट आते थे, और कई महीनों से उन्होंने मकान का किराया भी नहीं दिया था। सर, यहाँ पर कोई हथियार नहीं है। हथियार नहीं है मतलब वो लोग मर्डर वेपन अपने साथ ही ले गए? अच्छा, आप लोगों ने उन लड़कों को देखा था? सर, हमने किसी ने नहीं देखा। बॉम्ब बनाने वाले दो दो लोग यहाँ इस घर में रहते थे, पर किसी को कुछ मालूम नहीं। हा? वो लोग महेश का खून करके यहाँ से चले गए, पर किसी को पता ही नहीं चला। कमाल है। एक काम करो, तुम लोग यहां से भाग जाओ। चलो चलिए। खीर विधिकार मार्केट, ये कांच में रिफ्लेक्शन दिख रहा है विधिकार मार्केट का, इसका मतलब है वो लोग यहाँ पे बैठे बैठे विधिकार मार्केट पे नजर रखे हुए थे। सर, इसका मतलब है अभी विधिकार मार्केट में वो लोग बॉम्ब रखने वाले हैं। शायद, और ये बॉम्ब कार में रखा होगा जिसकी ये चाबी है जो घर पे छोड़ के गया है। बड़ी एक काम करो, इस लाश को फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो जल्दी। बड़ी काजल, ये विधिगर फर्नीचर मार्केट है, मार्केट का मामला है, लोगों को अगर पता चल जाए तो अफरा तफरी मच सकती है, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि चक्कर क्या है। ठीक है, देखो आसपास कोई गाड़ी दिखती है क्या? हमारे पास चाबी है, इस चाबी की गाड़ी को ढूंढना है, हो सकता है उसमें बॉम्ब हो। फ्रेडी, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। नहीं, देखो देखो ऐसी कोई गाड़ी दिख नहीं रही है। वो गाड़ी किसी भी आदमी मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं आसपास एक पार्किंग लॉट है वहां पे देखता हूँ। यस सर। वॉचमैन। यस सर। किसकी गाड़ी है? मालूम नहीं सर, किसकी गाड़ी 3-4 घंटे से खड़ी है। 3-4 घंटे से? हाँ, 3-4 घंटे से खड़ी है। तुम जाओ यहाँ से। जी सर। जल्दी आ सर। बड़ी, गाड़ी मिल गई है। क्या गाड़ी मिल गई? तुम मार्केट के इस तरफ आ जाओ। हाँ, मैं यहीं पे मिलता हूँ। अब भी आते सर। चलो।
सीट के नीचे। कुछ नहीं आता? नहीं सर। गाड़ी के अंदर तो कोई कुछ दिख नहीं रहा है। एक मिनट, ये क्या? ओह नो, बम यहाँ पर है। बम फटने में सिर्फ एक मिनट है। एक मिनट? आप क्या करें सर? एक काम करो, जल्दी बम को फोन करो। वो आने तक देर हो जाएगी सर, बम फट जाएगा सर। रेडी, पहले फोन तो करो, पता तो चले कि इस बम को डिफ्यूज कैसे करना। जल्दी फोन करो। हेलो, बॉम्ब स्क्वाड ऑफिस। एक मिनट, लग गया सर। हाँ सर, सर लग गया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ CID से। यार गाड़ी में एक बॉम्ब है, सिर्फ 50 सेकंड बचे फटने में, क्या करना है? हाँ, इसमें तीन वायर लगे हुए हैं, ये नीला है, सफेद और काला। हाँ नीला, ये स्क्रू से जुड़ा हुआ है। कार्टून सर शो। ओके एक मिनट, या हेलो। हाँ ये नीला वायर काट दिया, मगर टाइमर रुक नहीं रहा। हाँ दूसरा वायर, हाँ एक लाल वायर है जो टाइमर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके ओके यार। ये टाइमर रुक ही नहीं रहा, मैंने लाल वायर काट दिया मगर कुछ हो नहीं रहा है। सफेद वायर। ओह गॉड, जल्दी करो सर। रेडी, एक मिनट रेडी। कुछ नहीं हो रहा, टाइमर चले ही जा रहा है। सर 5 सेकंड बाकी है सर, सर जल्दी। ओके निकलो यहां से, चल निकलो। सब ये बॉम्ब तो नहीं फटा? ये चक्कर क्या है? निकल गया मगर ये बम फटा नहीं। ये बम भी नकली है। रेडी, एक काम करो, तुम इस गाड़ी को फॉरेंसिक गैराज में भिजवा दो, जल्दी। ये आदमी सर नकली बम क्यों लगा रहा है? दोनों जगह वो असली बम भी लगा सकता था, मगर नहीं लगा। वही तो मैं भी सोच रहा हूं अभिजीत, कि ये नकली बम भी क्यों लगा रहा है। एक और बात है सर, ये दोनों बम परिजा रोड पर ही लगाए गए। एग्जैक्टली, परिजा रोड पर ही लगाए गए, एक इंपीरियल बिल्डिंग में और दूसरा विधिगर मार्केट में। क्यों? पता नहीं सर, परिजा रोड के पीछे क्यों पड़ा हुआ ये आदमी? हाँ? वहां ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, तो फिर क्यों लगा रहा है ये? और है कौन ये? जो भी है सर, ये कोई नया आदमी है। इस शर्वानी के नौकर ने भी बताया था ना, जिन्होंने इसकी गाड़ी खरीदी थी वो लोग अनजान लोग थे। अभिजीत एक काम करते हैं, इस राजू ने जो स्केच बनवाया था उस हुलिया के आदमी को ढूंढते हैं इस पारिजा रोड पर, क्योंकि पहले दो बॉम्ब उसने पारिजा रोड पर ही लगाए हैं और तीसरा बॉम्ब भी वो उसी एरिया में लगाएगा। और मुझे लगता है ये तीसरा बॉम्ब असली होगा। इस परिजा रोड को अच्छी तरह से चेक करो, हर एक दुकान में जाकर देखो, वो आदमी यहीं कहीं मिलेगा। आवेक, तो मैंने सब जगह छान मारा है, वो आदमी अभी तक कहीं पे भी नहीं दिख रहा है।
ऐसे हो नहीं सकता है विवेक, अच्छी तरह से देखो, आंखें खोल कर देखो, वो आदमी यहीं इसी एरिया में है, अच्छी तरह से छान मारो। यस सर। सचिन सर, अभी एक ऐसा आदमी दिखा जिसके हाव भाव को देख के लगता है सर कुछ गड़बड़ है। बार बार पीछे आगे देख रहा था और काफी डरा हुआ लग रहा है। तो फिर देखो वो क्या करता है, कहाँ जाता है, देखो। हाँ सर। फिर वो सामने वाली चाय की दुकान में जा रहा है सर। अच्छा, जाओ उसके पीछे, चिपक जाओ, मैं भी आता हूँ। हाँ सर। और किसी आदमी से बात कर रहे हैं सर। चलो सर, वो तो यहाँ बैठ के से बात कर रहा था सर। हाँ सर। ओए, ये आदमी कहाँ गया जो तुमसे बात कर रहा था? ओए, सुनाई नहीं? ओए, he's dead. जल्दी पकड़ो उस आदमी को, यहीं से भागा होगा वो। My God, इसे तो पेट में गोली मारी है। विक, जल्दी से एम्बुलेंस बुला। सर, ये हाँ सर, ये वही आदमी है जो हमारे स्केच में है। हाँ। रुक जाओ, गोली मार दूँगा मैं, रुक जाओ। गोली मार दूंगा मैं, रुक जाओ। चल मालिक हो इस होटल के? आ गया। देखो अच्छी तरह से इस आदमी को, ध्यान से देखो, बताओ क्या तुम जानते हो इस आदमी को? क्या पहले कभी तुम्हारे होटल में आया था किसी के साथ? याद करके बताओ। देखो हम लोग CID से कुछ नहीं करेंगे हम तुम्हें, समझे? सच सच बताओ, क्या तुम जानते हो इसे? नहीं सर, ये आदमी इससे पहले मेरी दुकान पर कभी नहीं आया सर। वो आदमी हाथ से निकल गया सर। निकल गया? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? सर कुछ नहीं, गोली निकल गई सर। ठीक है सचिन, लगता है ये बहुत बड़ी गैंग है, लेकिन इन्होंने अपने गैंग मेंबर को क्यों मारा? इसका पता लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। बॉस, इस आदमी की मौत तो गोली लगने से ही हुई है, लेकिन गोली काफी नजदीक से मारी गई है इसे। और हाँ, गन पर साइलेंसर लगा हुआ था। अच्छा, साइलेंसर लगा हुआ था? बिल्कुल। तभी तो हमारे सामने से गोली मारकर चला गया और हमें पता तक नहीं चला, आवाज तक नहीं सुनाई पड़ी। सर, आपको जो गाड़ी के शीशे पर उंगलियों के निशान मिले वो इसी आदमी, ये देखिए इसका हाथ काफी जला हुआ, मतलब इसी आदमी ने वो नकली बम उस बिल्डिंग में रखा था और वो गाड़ी भी इसी आदमी ने वहां पर छोड़ी थी। हाँ सर, जिस आदमी ने इस पे गोली चलाई है, अगर वो आदमी हमें मिल जाए तो काफी हद तक पता चल सकता है। बिल्कुल सही विवेक, लेकिन इस सब के पीछे एक अलग दिमाग है, टेढ़ा दिमाग, इसे हमें जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। ये तो शर्मा नहीं, ये यहां क्या कर रही है? तो वही लड़का जिसने उसको गोली चलाई थी, शर्मानी के साथ क्या कर रहा है? अच्छा काम किया तुमने। सलाम मैडम। ये रहा उसका इनाम, उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। इसका मतलब ये
इनके साथ मिली हुई है। अपन ऐसे कामों में माहिर हैं, और कोई काम हो तो बताना। हाँ ठीक है, अब निकलो यहाँ से फटाफट। लगता भाग गई सर। मैं कह रहा था ना, ये औरत, ये शर्बनी गड़बड़ है, गड़बड़ है। हाँ सर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था उस आदमी को पैसा देते हुए सर, जिसने मुझ पे गोली चलाई। उसी वक्त पकड़ना चाहिए था उसे। सच्चे सर, मैंने कोशिश की लेकिन अचानक गायब हो गई सर। कोई बात नहीं, इस घर का कोना कोना छान मारो, एक एक चीज को बारीकी से देखो, जल्दी। बनाने के अलग अलग तरीके। बॉम्ब बनाने के अलग अलग तरीके। ये औरत तो दिखने में शरीफ है, मगर इसके दिमाग में कीड़ा घुस गया है। कीड़ा। सर, हाँ सर, ये देखिए सर, कीमती ज्वेलरीज के डिजाइन्स, ये देखिए। सर ये तो वही क्राउन है सर, जिसे म्यूजियम में एग्जीबिशन के लिए रखा गया है सर। हाँ, इस क्राउन का फोटो इस शर्बानी के पास कैसे है और क्यों? सर ये देखिए सर, म्यूजियम के स्केचेस और नक्शे सर, ये तिजोरियों के और कमरों के भी सर। माय गॉड, म्यूजियम के नक्शे और स्केचेस, तिजोरियों के भी और कमरों के भी। इसका मतलब है म्यूजियम में चोरी होने वाली है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कीमती क्राउन चुराना चाहते हैं? सर बिल्कुल सही सोचा तुमने सचिन, और चोरी उस करोड़ों रुपयों के क्राउन की होने वाली है, और इसीलिए उन लोगों ने नकली बॉम्ब्स लगा के रखे शहर में, ताकि हमारा ध्यान उन बॉम्ब्स की तरफ जाए और ये लोग बड़े आराम से म्यूजियम में चोरी कर सके। इसीलिए सर एक भी बॉम्ब फटा नहीं। कोई बात नहीं, इससे पहले कि ये लोग म्यूजियम में कुछ करें, हम अपना जाल बिछा देंगे। यार ये भीड़ देख के बहुत टेंशन हो रही है मुझे, और डर भी लग रहा है। अबे जब इम्तिहान का वक्त आया तो तेरी टांग कांप रही है, देख पकड़ाना मत। तू जेल का नाम मत ले, अभी दो बार जाके आया हूँ मैं जेल, अब नहीं जाना मुझे जेल। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैडम का नजर नहीं आ रही। वो आ गए मैडम। जैसा प्लान बनाया है बिल्कुल वैसा ही करना तुम दोनों, समझे? ठीक है मैडम। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना फंस जाओगे। आप टेंशन मत लो मैडम, बस आपके इशारे की जरूरत है। अपने आदमी से मिले या नहीं? हाँ मिले थे ना विजय भाई, उन्होंने कहा टेंशन मत लेना, वो सब संभाल लेंगे। गुड, देखो अब मैं अंदर जा रही हूँ, और एक बार फिर तुम दोनों से कह रही हूँ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो ताज मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त है, जरा समझ समझ के कदम रखना। बेफिक्र रहो विजय भाई, जब हम एक बार पैसे ले लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। कुछ भी करो मगर किसी भी हालत में पकड़े मत जाना। ये बात और सुन लो, अगर तुम लोग किसी भी वजह से पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना। ये बार बार पकड़े जाने की बात क्यों कर रहे हो विजय भाई? तुम लोग को यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम है ना? अरे नहीं बताया नहीं तो कैसे पता होगा? तुम दोनों मेरे पीछे आओ, मुझे यहाँ के सारे रास्ते मालूम है। जल्दी से मास्क नीचे करो, उस अलार्म का स्विच ऑफ करो।
किसी भी हालत में अलार्म बजना नहीं चाहिए। तुम दोनों भी पीछे आओ, आहिस्ता। कितने हीरे जड़े हुए ना उसके ऊपर। हाँ यार, लाखों के होंगे। अरे लाखों की बात छोड़, करोड़ों के होंगे, करोड़ों के। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए ये ताज यहाँ पर आया है। कल ये ताज वापस इजिप्ट चला जाएगा। लेकिन अगर एक दिन से ज्यादा रखेंगे तो चोरी होने का अंदेशा है। अरे भाई, चोरी वोरी की बात अपने मुंह से मत निकालिए। एक बार ये नायाब चीज वापस चली जाए इजिप्ट तो मैं आराम से सो सकूंगा। उड़ा लो ताज। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, जो जाओ वहीं खड़े रहो। है अगर कोई हिलेगा तो मैं गोली मार दूंगा। हाथ पर, हाथ पर। कोई सिक्योरिटी वाला नहीं आएगा, हमने सबको ऊपर भेज दिया है। हाथ पर, हाथ पर। कहाँ है? कहाँ जा रहे? घूंघट तो दिखा। चल। एसीपी साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये ताज चला जाता तो मेरी नौकरी चली जानी थी। जगमोहन जी, मैंने कहा था सिक्योरिटी सही होनी चाहिए। हमने जैसे कहा था वैसे ही, लेकिन आपने तो चल। पतली गली से भाग रहा था। चल। किसके लिए काम करता है? बोल, किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है? बोल, नहीं तो सर। हाँ, ये देखिए, उड़ा लो ताज को, बॉस। अच्छा, अभी पता चल जाएगा तुम्हारा बॉस है कौन। ये नंबर तो जाना पहचाना सा लगता है। माय गॉड, आई सी। बॉस, शर्बानी, तुम्हारी वजह से मेरे सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। जी चाहता है तुम्हें गोली मार दूं। मैंने क्या किया है? तो ये सीआईडी वाले कहां से आए? मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे नहीं पता इन सीआईडी वालों को कैसे पता चल गया। ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें अब मरना होगा, नहीं तो तुम मुझे फंसा दोगी। बॉस, एसीपी साहब, आप मुझ पर बंदूक तार रहे हैं? आप तो मुझे कितने दिनों से जानते हैं। ये भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ा। यही है जिसने ये सब कुछ किया है। अस्तीन के साथ जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। म्यूजियम की रखवाली के लिए रखा गया था तुम्हें, डकैती करवा दी वहां पे। गलती हो गई सर।
लालच में आ गया था मैं। चुप। लालच में आ गया था मैं। तुम्हें मालूम है पब्लिक में दहशत फैलाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। तुम दोनों को क्या लगा कि तुमने नकली बम रख दिए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी? अगर ये तुम्हारी गलत फहमी है, वैसे भी आम आदमी जब अपने घर से निकलता है तो अपनी जान हथेली पे लेकर निकलता है। इन जैसे गुनहगारों की वजह से सर, जो अपनी लालच के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। क्यों? सॉरी सर, गलती हो गई मुझे। इसने बसा दिया मुझे सर। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए सर, प्लीज। शर्म नहीं आती तुम्हें माफी मांगते हुए? तुम दोनों की वजह से दो दो लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।